हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे केले की सब्जी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कच्चा केला लिया है। इसको हम इस तरीके से छील लेंगे और इसको हम इस तरीके से मैंने पीसेस में कट कर लिया है। आप इसको चाहें तो गोल भी कट कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से इनको कट किया है। इनको कट करने के बाद हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। आप इस रेसिपी को लंच के लिए, डिनर के लिए या लंच बॉक्स में भी पैक कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनती है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़े सा नमक, थोड़ा सा डाली है यहाँ पे हल्दी पाउडर, इसके साथ डालेंगे हम धनिया पाउडर और साथ में डाला है थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। इन सारे मसालों को हम केले में इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हमने जो केले में मसाले मिक्स कर रखे हैं उन केलों को हम इसमें डाल देंगे और इसे हाई फ्लेम पर चलाते हुए अच्छे से कुक कर लेंगे। ये केले जो हैं 70% तक कुक हो जाएंगे और इन पर हल्का लाइट ब्राउन कलर आ जाएगा, तो अब इन्हें हम निकाल लेंगे। जब तक केले फ्राई हो रहे हैं तो इसका एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ग्राइंडिंग जार में ली हैं 3 लहसुन की कलियाँ, साथ में ली है 1 मीडियम साइज़ की प्याज, 2 ग्रीन चिली और इसके साथ में यहाँ पर डालूँगी 1 टमाटर और इसका हम एक पेस्ट तैयार कर लेंगे जो इसकी ग्रेवी बनाने के काम आएगा। तो मेरा यहाँ पर पेस्ट जो है तैयार हो चुका है। यहाँ पर जब तक हमारे जो केले हैं वो भी अच्छे से भुन गए हैं, तो चलिए इन्हें हम निकाल लेते हैं। इस सब्जी को आप पराठे, पूड़ी, चपाती या राइस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो मैंने अब इसी कढ़ाई में लिया है ऑयल। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए इसमें डालेंगे जीरा और साथ में हमने इसमें डाला है जो हमने पेस्ट तैयार किया था टमाटर प्याज का, वो हमने इसमें डाल दिया है और इस पेस्ट को हम अच्छे से कुक कर लेंगे। यहाँ पर ये अच्छे से कुक हो चुका है। अब इसमें डालेंगे मसाले। तो मसालों में यहाँ पर डालने हैं अपने रेगुलर मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से कुक कर लेंगे जब तक ये मिक्सचर जो है ऑयल रिलीज ना कर दे। तो सारे मसाले हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। देखिए ये सारे मसाले अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, इसका जो फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छा आता है। इसके साथ मैंने यहाँ पर डाला है 2 चम्मच दही और इसको चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस दही जो है मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें डालेंगे हम फ्राई किए हुए केला और इसको चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमें डालना है पानी। आपको सब्जी में जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसे पानी डाल सकते हैं। पानी को डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें और इसे ढककर हम स्लो फ्लेम पर कुक होने देंगे। इसे 5 से 10 मिनट के लिए कुक होने दें, इसमें अच्छे से कुक हो जाती है। तो ये देखिए हमारी जो केले की सब्जी है वो अच्छे से कुक हो चुकी है। इसने देखिए साइड से ये ऑयल भी रिलीज़ कर दिया है। तो इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और लास्ट में हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हमारी जो केले की सब्जी है वो बनकर तैयार है। तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही और रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको नेक्स्ट रेसिपी कौन सी देखनी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।